आदाब सस्काल दोनों में दिस इज मी एलिस राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स बिगर ड्रीम्स। तो मैं जो हूँ मैं अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटी सारी ख़त्म कर दी हैं और मैं अभी जो हूँ मैं सारी की सारी एक्टिविटीज़ ऑफ चैप्टर 2 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का लेके आई हूँ साइंस सब्जेक्ट में से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 2.1 एक्टिविटी हमारे से क्या कह रही है। ये हमें कह रही है कि हम लोगों ने जो है वो सारे एसिड्स ले लिए हैं, सारे बेसिस ले लिए हैं। अब हम लोगों को चेक करना है कि इंडिकेटर्स में जो है वो ये क्या कलर शो करते हैं और हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है। तो बेसिकली अगर आपने मेरा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का वीडियो नहीं देखा है तो वो मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगी। तो उसके अंदर मैंने एक टेबल बताई थी और उसके अंदर मेरे सारे ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनका क्या कलर होगा वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे क्योंकि अब एक्टिविटी है भाई, तो उसका अब ये एक्टिविटीज़ मैं आपको क्यों करा रही हूँ चिल्ड्रन, दिस कम्स इन आर SA1 एंड SA2 एग्जामिनेशन, ठीक है ना। फाइनल एग्जामिनेशन में भी आपसे ये एक्टिविटीज़ पूछी जा सकती हैं बहुत क्लियरली। जब हम लोगों को वर्कशॉप भी लेता है तो वर्कशॉप में भी दे यूज टू टेल कि दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और भाई साहब ये जो ये ऑरेंज बॉक्स में ये लोग कभी कभी दे देते हैं कि डू यू नो दिस, डू यू नो दैट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स ना, ये भी हम लोगों को पता होनी चाहिए, हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कराती हूँ। तो चलो भाई अब एक्टिविटीज़ पे आ जाते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारे को बता रखा है कि हम लोगों को डिफरेंट चीज़ों से क्या पता चलता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। इतना तो खैर सभी को पता होगा कि रेड लिटमस पेपर गोइंग टू टर्न ब्लू इनटू बेसिक सोल्यूशन। सिमिलरली वाइस वर्सा विल हैपन टू द ब्लू लिटमस पेपर, इट विल टर्न रेड इनटू द एसिडिक सोल्यूशन, राइट। फिनॉफ्थलीन जो है L इज साइलेंट इन दिस वन, तो फिनॉफ्थलीन, ठीक है, दैट इज़ द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। इट्स नॉट फिलॉफ्थलाइन, इट्स नॉट फिनॉल्फथलीन, फिनॉल्फथलीन आई हैव हर्ड मोस्टली पीपल सेइंग इट, सो फिनॉफ्थलीन इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये कलरलेस रहता है, एसिड के साथ ये कोई भी रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ बेस के साथ इट टर्न्स पिंक, ठीक है ना। दैट्स द ओनली थिंग विच हैपन्स इट दैट दिस इज कलरलेस एंड इट टर्न्स पिंक इन द बेसिक सोल्यूशन, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो अब हम लोग आ जाते हैं मिथाइल ऑरेंज पे। तो ओवर देयर इन दैट एसिड बेसिक एंड सॉल्ट में जब मैं चैप्टर ले रही थी तो मैंने आपको सब सिखाया था, माई एप्पल इज़ रेड, मिथाइल, ठीक है ना, इन द एसिडिक सोल्यूशन बिकम्स रेड, ठीक है ना। माई M मतलब मिथाइल ऑरेंज, A मतलब एसिडिक सोल्यूशन, रेड कलर मीन्स इट इज़ शोइंग और इट इज़ टर्निंग इनटू रेड कलर, ठीक है ना। बनाना इज़ येलो मीन्स इन बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स इनटू येलो कलर, ठीक है। सो वही चीज़ हमारे को याद रखनी है। इधर बस मैंने pH लिख दिया है कि 3.1 से जो है अगर लोअर रहता है तो ज़्यादातर ये उस समय पे ज़्यादा ये शो करता है रेड कलर, ठीक है। और 4.4 से जब ऊपर रहता है तो येलो कलर शो करता है। बेसिकली जनरली हम लोग एसिड और बेसिस को लेके चलते हैं, ठीक है। आ जाता है हम लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो रहते हैं, ऑब्वियसली दे विल टर्न एवरीथिंग इनटू रेड, सेम गोज टू द वीकर स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी दे विल टर्न एवरीथिंग इनटू ब्लू, सिवाय मिथाइल ऑरेंज के, क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि बेसिक में जो है मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाता है, ठीक है ना। तो अब एग्जाम्पल कौन सा है स्ट्रॉन्ग एसिड का, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड इज़, अगर आप लोगों को नहीं पता तो बेटा केमिकल फार्मूलाज की मैंने वो भी सीरीज़ बना रखी है, तो आप वो भी देख सकते हो। वैसे फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ H2SO4। इवन मैंने ये कुछ जो पर्टिकुलर हैं ये भी मैंने बता रखे हैं। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है चिल्ड्रन, सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड जो हो गया HNO3 हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपने मेरी फार्मूला की वीडियो नहीं देखी केमिकल फार्मूला की, आप वो भी देख सकते हो, वो भी मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूँगी। नाउ अब आ जाते हैं हमारा वीकर के साथ क्या होता है। भाई अगर हमारा स्ट्रॉन्ग के साथ ऐसा हो रहा है तो वीकर के साथ क्या होता है। तो वीक एसिड्स के साथ ये जो है ये ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर अगर हमारे पास जैसे हमारे पास सॉल्ट और हमारे पास एसिड है तो अगेन मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट नो नीड टू बी जस्ट न्यूट्रल इन नेचर, इट कैन बी एसिडिक सॉल्ट, इट कैन बी बेसिक सॉल्ट ऑल्सो। तो यहीं पे वो चीज़ है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो हमारे को जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, दैट विल बी कॉपर सल्फेट एग्जाम्पल हो गया। और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो हमारे को कैल्शियम कार्बोनेट जैसा जो है वो बेसिक सॉल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे भी दे दिए हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि एसिडिक एसिड है मेरे पास, ठीक है ना, उसका pH जो है वो 2.88 है, तो ये जो है ये क्या कहता है फिनॉफ्थलीन का इसमें कलर क्या हो जाएगा। प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन चिल्ड्रन इफ़ यू नो know the answer and if you are listening to this very carefully. तो विनोफ्थलीन का यहाँ पे कलर क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज का. इन दिस एसिटिक एसिड सोल्यूशन क्या कलर क्या होगा, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर का व्हाट विल बी द कलर. ठीक है ना. तो इन सब चीज़ों से इतना हम लोगों ने अल्लाह मल्ला यहाँ पे पढ़ लिया. तो इसका इन्फ्लुएंस क्या है, व्हाट वी आर लर्निंग और वी आर अंडरस्टैंडिंग या कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है कि डिफरेंट पीएच इंडिकेटर्स में, इंडिकेटर्स भी मैंने आपको बताया था. ठीक है ना. सिंथेटिक इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स सब मैंने आपको बताया था. ठीक है ना. तो अब क्या कहते हैं यहाँ पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी है ना, गिव्स डिफरेंट कलर विद एसिड बेस, एसिड सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन. ठीक है. तो यहाँ पे मेरी 2.1 की जो एक्टिविटी है ये ख़त्म हो जाती है. सो दिस एक्टिविटी टुक अ लॉन्ग टाइम, सो दैट्स द रीज़न आई ओनली इन दिस वीडियो आई विल नॉट शेयर एनी अदर एक्टिविटी. ठीक है. तो 2.2 एक्टिविटी और रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आई विल शेयर इन अनदर वीडियो. स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल चिल्ड्रन. Jot down the notes. This is Alice Raj signing off.